मिथुन राशि 2018, अतः उनका शिक्षा, कैरियर, आर्थिक स्थिति, प्रेम और विवाह, स्वास्थ्य, इसके बारे में और उसके उपाय के बारे में हम लोग बात करेंगे। इस जातक के सूर्य बुध होते हैं, अतः आपका या आपके परिवार में किसी भी जातक की राशि अगर मिथुन हो तो इसे जरूर जानें। शिक्षा और कैरियर, मिथुन राशि वाले जातक को अपने कार्य क्षेत्र में इस साल अच्छा परिणाम मिलने वाला है। इस साल आपको अच्छी रिजल्ट आने की संभावना शुरू में ही मिल सकता है, अर्थात जनवरी से लेकर मार्च तक में। जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसके लिए, लेकिन जो प्राइवेट नौकरी करते हैं उन्हें भी अच्छी सफलता मिलेगा और अच्छा पैसा कमा सकेंगे। नौकरी के लिए नए अवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है, आपकी सैलरी में वृद्धि होगी। बुध ग्रह आपके राशि का स्वामी है, जो बुद्धि और ज्ञान का कारक है। बुद्धि के प्रभाव से आप अपने विवेक और उचित फैसले में लाभ कमाएंगे, अतः आपको इस साल नई जिम्मेदारी भी आने की संभावना है। जो बिजनेस कर रहे हैं उनकी बिजनेस पार्टनर से कुछ अनबन हो सकता है, लेकिन बहुत जल्दी ही मामला सुधर जाएगा और आप अपने कारोबार में विस्तार भी कर सकते हैं। इस साल 2018 में विदेशी कारोबार से भी अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति, मिथुन राशि वाले जातक की आर्थिक स्थिति इस साल की अपेक्षा 2018 में अच्छा रहने वाला है। इस साल अच्छे तरह से पैसा बचा भी सकते हैं और अच्छा पैसा कमा भी सकते हैं, अतः थोड़ा खर्च पर संयम रखें, क्योंकि ज़्यादा पैसा खर्च करने की संभावना है। लेकिन दूसरे ओर साल के शुरुआत में आपको पैसे के लिए मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन आप बहुत जल्दी अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे, पैसे भी बहुत कमाएंगे। मई से नवंबर की अवधि में आप निश्चित तौर पर अच्छे पैसे कमाएंगे। पैसे के कारण कोई काम आपका इस साल नहीं रुकेगा। जो व्यक्ति मकान खरीदना चाहते हैं वह अपना मकान खरीद सकते हैं। शेयर मार्केट से भी अच्छी कमाई होने की संभावना है। प्रेम और विवाह, मिथुन राशि वाले जातक का अरेंज मैरिज इस साल बहुत अच्छी तरह से सफल हो सकता है, लेकिन जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं लड़की के घर वालों से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन आपकी शादी अरेंज हो या लव मैरिज हो, शादी से पहले कुंडली मिलान करना नहीं भूलें। वहीं दूसरे और साथी के साथ बातचीत के दौरान अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। जनवरी से मार्च तक आपको अपने गुस्से पर काबू रखना है, क्योंकि इस अवधि में आपको कुछ मुश्किल दौर से गुजरना पड़ेगा। अतः आप सिंगल हैं और पार्टनर की ख्वाहिश है तो 2018 में आपको सफलता मिल सकता है। स्वास्थ्य, मिथुन राशि वाले जातक 2018 में डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ सकती है, नहीं तो आगे चलकर परेशानी बढ़ सकती है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, जिसके कारण आपके कार्य क्षेत्र पर अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएंगे। 2018 के अप्रैल महीने में आपको बेहद सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस दौरान आपको गंभीर चोट लगने की संभावना है। क्रोध पर काबू रखें, नहीं तो कोई महत्वपूर्ण काम खराब हो सकता है। आपको मोटापा और अनिद्रा की समस्या हो सकती है, निश्चित रूप से चिकित्सक से सलाह लें। और थोड़ी पारिवारिक समस्या के कारण मानसिक पीड़ा हो सकता है। साल 2018 में मिथुन राशि वाले जातकों के उपाय, नियमित रूप से श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्रोत का पाठ करें, भाई और परिवार के लोगों को मदद करें, रविवार को भैरव मंदिर में जाएं और दूध चढ़ाएं। सुबह